KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं एक एक्सप्लेनर के साथ। टॉपिक है भारत का पहला इको फ्रेंडली पेंट। भारत में अब अपना गोबर पेंट है। देश के कई इनोवेटिव इन्वेंशन के बीच यह यूनिक पेंट निश्चित रूप से सबका ध्यान खींच रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME नितिन गडकरी ने देश का पहला गोबर से बना प्राकृतिक पेंट यानी काव डंग पेंट लॉन्च किया है। पेंट की इस इको फ्रेंडली तकनीक को खादी ग्राम उद्योग ने तैयार किया है। खादी प्राकृतिक पेंट को एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक पेंट के रूप में भी जाना जा रहा है। गाय के गोबर से बने पेंट के कई फायदे हैं। ये सस्ता भी है, गंधहीन भी है और इसमें भारी धातुएं नहीं है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा सर्टिफाइड भी किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट दो रूप में उपलब्ध होगा, डिस्टेंपर और प्लास्टिक इमल्शन। तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में पेंट का परीक्षण किया गया है। नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई, श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली और नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद। द पेंट हैज सक्सेसफुली पास्ड वेरियस टेस्ट पैरामीटर्स सच एज एप्लीकेशन ऑफ पेंट, थिनिंग प्रॉपर्टीज, ड्राइंग टाइम एंड फिनिश अमॉन्ग अदर्स। अब फ्लैशबैक की बात करते हैं, इससे जुड़े कुछ बैकग्राउंडर भी समझ लीजिए। गोबर से बनी अगरबत्ती बाजार में पहले से ही उपलब्ध है। गौमूत्र से फिनाइल भी बनाई जा रही है। साल 2015 में इलाहाबाद स्थित गौशाला ने गौमूत्र से नेचुरल डिसइंफेक्टेंट विकसित किया था। इसे आसपास के इलाकों में गो आशीष फिनाइल कहा जाता था, जिसमें समान माइक्रोब, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज का कथित तौर पर गाय के कचरे और नीम का पर्याय होता है। अक्टूबर 2019 में गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गए काउ डंग सोप्स को लॉन्च किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, वर्किंग ग्रुप टू रेगुलेट डिजिटल लैंडिंग। विद फ्रॉड्स इन डिजिटल लैंडिंग स्पेस कमिंग इनटू शार्प रिलीफ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप टू डेवलप एंड रेगुलेट डिजिटल लैंडिंग, इंक्लूडिंग लैंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। RBI ने कहा है कि वर्किंग ग्रुप रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज के सभी पहलुओं को स्टडी करेगा। हाल में ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल लैंडिंग एप्स की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही कुछ गंभीर चिंताएं भी पैदा हो गई हैं, जिनके व्यापक प्रभाव पड़ रहे हैं। 6 सदस्यीय पैनल, जिसमें 4 RBI इंटरनल मेंबर्स हैं और 2 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, इस पैनल द्वारा 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। इट हैज ऑल्सो बीन टास्क्ड विद आइडेंटिफाइंग रिस्क पोस्ड बाय अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेगुलेटेड एंटिटीज एंड कंज्यूमर्स। The working group will also prepare a robust fair practices code for digital lending players, insourced or outsourced, suggest measures for enhanced consumer protection. आइए बात करते हैं डिफेंस से जुड़ी एक खबर की। टॉपिक है असमी। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। हथियार का नाम असमी है, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत, यानी प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट और हार्डवर्क। इन्फेंट्री स्कूल MHOW और DRDO's आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE पुणे ने इस हथियार को डिजाइन और डेवलप किया है। द मशीन पिस्टल फायर्स द इन सर्विस 9mm एम्यूनिशन एंड स्पोर्ट्स एंड अपर रिसीवर मेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम एंड लोअर रिसीवर फ्रॉम कार्बन फाइबर। अगला टॉपिक है ASI गिव्स नॉट फॉर रिसर्च ऑफ राम सेतु। राम सेतु की आयु, भारत और श्रीलंका के बीच चेन ऑफ शोल्स और कैसे इसका गठन किया गया था, ये निर्धारित करने के लिए एक पानी के नीचे की खोज परियोजना इस साल शुरू होगी। इस परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह रामायण काल की आयु निर्धारित करने में मदद कर सकता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, अ बॉडी अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने पिछले महीने CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NIO या NEO, द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। द प्रपोज्ड स्टडी विल बी बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एंटीक्विटीज, रेडियोमेट्रिक एंड थर्मोल्यूमाइन सेंस, दैट इज इन शॉर्ट TL, डेटिंग फॉर जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड अदर सपोर्टिंग एनवायरमेंटल डाटा NEO सेट। रेडियोमेट्रिक तकनीक का उपयोग संरचना की आयु का पता लगाने के लिए किया जाएगा, जिसमें कोरल या प्यूमिस पत्थर शामिल है। कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो हमें संरचना की उम्र और निश्चित रूप से रामायण की अवधि का पता लगाने में मदद करेगा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग किसी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव इम्प्योरिटीज को देखता है। TL डेटिंग एनालिसिस लाइट रिलीज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड। द 48 किलोमीटर चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स हैज बीन एसोसिएटेड विद द रामायणा एज दैट ब्रिज बाय दोज हु से रामा वाज अ हिस्टोरिकल फिगर एंड नॉट अ माइथोलॉजिकल वन।
द नियो विल यूज इट्स रिसर्च वेसल्स सिंधु साधना और सिंधु संकल्प. दिस कैन कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सेडिमेंट कोर 35 टू 40 मीटर्स बिलो द वॉटर लेवल. नियो ने 5 साल पहले देश भर में पानी के नीचे पुरातत्व को पुनर्जीवित करने के लिए ASI के साथ एक MOU साइन किया था. खबरों में आगे बढ़ते हैं. भारतीय भौतिक विज्ञानी को फ्रांस का टॉप अवार्ड मिला है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc में सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स यानी CHEP की प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशनल डू मेरिट यानी नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, जिसे फ्रांस द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे ऊंचा सम्मान माना जाता है. गोडबोले को भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया था. गोडबोले हैज गिवन दिस अवार्ड फॉर हर रिमार्केबल साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनली दैट नेचुरली लेड हर टू बी इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद फ्रेंच CNRS विदिन द इंडो फ्रेंच लेबोरेटरी इन थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स. IISc और CNRS के बीच यह सहयोग काफी सफल रहा है और इन दोनों संस्थानों के भारतीय और फ्रांसीसी फिजिशियंस ने मिलकर काम किया है. गोडबोले की रिकमेंडेशंस को भारत की नई साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी यानी STIP 2020 के ड्राफ्ट में शामिल भी किया गया है. अब बात करते हैं नेशनल इनोवेशन पोर्टल यानी NIP की. यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया, जिसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने डेवलप किया है. द नेशनल इनोवेशन पोर्टल NIP इज करंटली होम टू अबाउट 1.15 लाख इनोवेशंस काउटेड फ्रॉम कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री कवरिंग इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर वेटरनरी एंड ह्यूमन हेल्थ. देश में आम लोगों के करीब 1.15 लाख इनोवेशंस का इस पर ब्यौरा है. एनर्जी इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसहोल्ड केमिकल सिविल गुड्स फार्म्स कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस स्टोरेज प्रैक्टिसेस प्लांट वैरायटी प्लांट प्रोटेक्शन पोल्ट्री लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट जैसे कई विषयों पर इनोवेशंस को इसमें समेटा गया है. इनोवेशन पोर्टल इज अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एंड एन एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स MSMEs टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स That is TBIs and common people engaged in a variety of occupations. आइए बात करते हैं Veterans Day की. 5th Indian Armed Forces Veterans Day was celebrated as a recognition of the services rendered by the first Commander in Chief of Indian Armed Forces, Field Marshal K.M. Karyappa, OBE, who retired on 14th January 1953. सेना के हमारे दिग्गजों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में सेना हर साल 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाती है. पहला आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे 14 जनवरी 2017 को आयोजित किया गया था. इसका उद्देश्य एक्स सर्विसमैन और सर्विंग पर्सनल्स के बीच रिश्तों को मजबूत करना है. दिस इज ऑल्सो अ फोरम टू इनहेंस द सेटिस्फेक्शन लेवल्स पर्टेनिंग टू इश्यू ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर ऑफ वेटरन्स एंड देयर नेक्स्ट ऑफ किन. अब बात करते हैं आर्मी डे की. हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है. इस दिन साल 1949 में फील्ड मार्शल K.M. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिसी बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे. आजादी के बाद सेना के पहले दो चीफ ब्रिटिश थे. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिसी बुचर की जगह ली, जिन्होंने 1 जनवरी 1948 से 15 जनवरी 1949 तक सेना के शीर्ष पद पर अपनी सेवाएं दी. बुचर से पहले जनरल सर रॉबर्ट मैकग्रेगोर मैकडोनल्ड लॉकहार्ट 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1947 तक आर्मी चीफ रहे. भारत पाक आजादी के वक्त करियप्पा को दोनों देशों के सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया था. अप्रैल 1986 में उन्हें बेहतरीन सैन्य सेवाओं के लिए 5 सितारा रैंक फील्ड मार्शल से सम्मानित किया गया था. आज तक यह 5 सितारा रैंक भारतीय सेनाओं में केवल 3 सैन्य अधिकारियों को मिली है. करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह. KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही. खबरें लगातार जारी हैं, लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बना रहे हैं. कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लाइक अवश्य करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए इसको शेयर भी करें. थैंक यू. गॉड ब्लेस.